हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट बेसिकली होता है क्या है, गैप एफिडेविट, दोनों सेम चीज़ होता है, गैप सर्टिफिकेट बोलो या फिर गैप एफिडेविट बोलो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट होता क्या है इसको डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं जब आप अप्लाई करेंगे, उसके यूजेस क्या हैं, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन क्या प्रोसेस है और ऑनलाइन क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और कितनी इसके फ़ी लगती है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर बेसिकली मैंने बताया था DU कॉलेज को लेकर के कि उसमें अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर दे सकते हैं, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। बेसिकली ये गैप सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि आपने इतने ड्यूरेशन तक गैप लिया है और किस रीजन से गैप लिया है, बेसिकली यही बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बेसिकली ऐसा होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका नाम होता है, आपका फादर्स का नेम होता है, ठीक है। आपने अपनी 12th मतलब एजुकेशन कहाँ से करा है और किस रीजन से आपने गैप लिया था, ये सारी चीज़ें लिखी होती है और बेसिकली ड्यूरेशन लिखा होता है कि कब से कब तक आपने गैप लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारे गैप सर्टिफिकेट पे कौन कौन से डिटेल मेंशन होते हैं बेसिकली। तो इसमें सबसे पहला आपका होता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट का नेम होता है, देन आपका एज होता है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, देन आपका जो रिसेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेंशन होता है, आपका इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से आपने लास्ट आपका एजुकेशन कंप्लीट किया है वो होता है बेसिकली, देन आपका ड्यूरेशन होता है कि आपसे कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में आपने गैप लिया है वो मेंशन होता है, रीजन होता है किस रीजन से आपने गैप ले रखा है, ठीक है, और आपको किस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसका नेम होता है और डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होता है एंड सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट होता है। तो बेसिकली हमारे गैप सर्टिफिकेट में एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल है, बेसिकली इसको एडवोकेट ही इशू करता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं गैप लेने के पीछे एक हमारा, ठीक है। तो बेसिकली रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जॉब लेनी है उसकी वजह से आपने ले रखा है गैप, तो वो भी तरीका एक हो सकता है रीजन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वजह से भी आपने गैप ले रखा है वो भी रीजन हो सकता है, ठीक है। आपको अपने पैशन और हॉबी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है वो भी एक रीजन हो सकता है, या फिर आपको किसी एग्ज़ाम को रीराइट करना और बेटर आपको नंबर लाने वो भी हो सकता है रीजन एक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से लिए आपने गैप ले रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें आपका गैप में हो सकता है रीजन, ठीक है। तो बेसिक ये हमारे रीजन्स थे, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जब गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। बेसिकली सबसे पहले है आपका आईडी प्रूफ हो सकता है, आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बेसिकली इतने हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास में आपका स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और एक लेटर होना चाहिए, ए लेटर फ्रॉम द लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप जहाँ से अपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया वहाँ से एक लेटर होना चाहिए, ठीक है, और आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, देन आपका सिटीजनशिप प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आपका जो लास्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड द गैप, और किस रीजन से आप गैप ले रहे हो उसका रीजन बेसिकली आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट के यूजेस क्या हैं। बेसिकली यूजेस इसका एक ही चीज़ है कि आपने गैप ले रखा है, आपको कहीं एडमिशन लेना है तो बेसिकली वो होता है इसका यूज़, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग योर एजुकेशन, आपका एजुकेशन कंटिन्यू करना तो उसका हो सकता है, ठीक है, एक्ट एज अ ब्रिज फॉर योर फर्दर स्टडीज़ ये भी हो सकता है, हेल्प टू गेट अ जॉब इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर एजुकेशन लॉस, ठीक है, ये बेसिकली यूजेज हैं गैप सर्टिफिकेट के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब हम बात कर लेते हैं कि हम गैप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कहाँ करें। देखो बेसिकली यहाँ पे सबसे इजी तरीका होता है, अगर आपके एरिया में पास में आपके डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट अगर मिल गया आपको तो वो बना दे देगा, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास में गैप सर्टिफिकेट है वो एडवोकेट का काम होता है, उसका वहीं पर रोल होता है, लॉयर का होता है, वो बना के देगा आपको, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बना सकते हो तो बना सकते हो, बट आज के टाइम में ऑनलाइन भी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे साइट आपके गूगल पर जाओगे टाइप करोगे
करके कि ऑनलाइन गैप सर्टिफिकेट अप्लाई अप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको बहुत सारे साइट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल मांगी जाएगी और वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैंप वगैरह लग करके आपको या फिर वो ऑनलाइन PDF प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको वो डिलीवर करेंगे आपके घर पे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने साइट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप जाके गूगल में इसके बारे में पढ़ सकते हो। आई थिंक इसका फीस तो एप्लीकेशन फीस इनका 149 रुपीज़ है, ठीक है। अगर अप्लाई करते हो गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ बन सकता है www.drafter.in, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।